नमस्ते। सिंपल केला रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब? आज हम बनाते हैं केला के एक पॉपुलर डिश चिकन मापस। बहुत इजी है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। चिकन मापास बनाने के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया। इसे इस तरह छोटा छोटा पीस करके कट कीजिए। पहला हम इसे मैरिनेट करेंगे। आपके स्वाद के अनुसार नमक, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इन सबको अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे आधा घंटा रखेंगे। इस समय पर हम इसका बाकी इंग्रेडिएंट्स को तैयार करेंगे। अब हम दो मीडियम साइज वाला प्याज को इस तरह स्लाइस कीजिए, एक टमाटर इस तरह स्लाइस कीजिए, दो हरी मिर्ची उसे भी छोटा कट कीजिए, एक पूरा वाला इस तरह लहसुन 10 से 12 कली चाहिए, थोड़ा सा अदरक बारीक सा कटा हुआ और थोड़ा कड़ी पत्ता। अब हम इस करी का मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट मिल्क। इसके लिए मैंने एक कप कोकोनट लिया। इसको हम एक मिक्सी के जार पर डाल के आधा ग्लास पानी के साथ अच्छे से पीसेंगे। अच्छे से पीसने के बाद इसे हम एक बाउल पे डालेंगे और इसे हाथों से इस तरह अच्छे से कोकोनट मिल्क को स्क्वीज करके हम लेने का। आपको इसके बदले में दुकान से खरीदा हुआ कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, या पाउडर कोकोनट मिल्क मिलता है उसके साथ पानी मिक्स करके यूज़ कीजिए। अब हम इसे अच्छे से स्ट्रेन करेंगे। इस तरह हम घरों में कोकोनट मिल्क को बनाते हैं, तो हमारा फ्रेश कोकोनट मिल्क अभी रेडी हो गया। करी बनाने को शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद दो चम्मच नारियल का तेल डालिए, तीन से चार लौंग, एक छोटा पीस सिनेमन, तीन इलायची, एक पीस बे लीफ। इसके साथ हम तैयार करके रखा हुआ लहसुन और अदरक को भी डाल के हम अच्छे से मिलाएंगे। अदरक और लहसुन का कच्चापन निकलने के बाद इसमें प्याज को डाल के अच्छे से मिला दीजिए। प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे। पूरा टमाटर मत ऐड कीजिए, आधा टमाटर ही ऐड कीजिए। टमाटर डालने के बाद हरी मिर्च को भी डाल दीजिए। अब अच्छे से इसे हिला दीजिए। थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिलाइए। अब हम तैयार करके रखा हुआ चिकन को और थोड़ा सा कड़ी पत्ता को अच्छे से मिलाएंगे। ये करी केरला पे क्रिश्चियन फैमिलीज में ज़्यादा बनाया जाते हैं। ज़्यादातर क्रिसमस ईस्टर के त्योहारों में हम बनाते हैं। ये करी बनाना बहुत इजी और टेस्टी होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका जो फीडबैक है वो कमेंट कीजिए। साथ ही मेरा ये छोटा चैनल सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। अब हम 5 मिनट इसे बंद कर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चिकन अभी आधा कुक हो गया। अब हम आधा चम्मच गरम मसाला को डालकर अच्छे से मिलाएंगे। गरम मसाला डालने के बाद 5 मिनट और हम इसे बंद कर पकाएंगे। अब मसाला का काम सब हो गया। अब हम बनाकर रखा हुआ नारियल का दूध को इस पे डालकर मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट उबालेंगे। साथ ही बाकी रखा हुआ टमाटर, कड़ी पत्ता, अगर नमक कम लगे तो थोड़ा नमक भी डाल दीजिए। 10 मिनट उबालने के बाद आपको एक अच्छा क्रीमी चिकन करी मिलेगा। तो हमारा चिकन मापस रेडी हो गया। जाने से पहले आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक अच्छा केला रेसिपी के साथ। धन्यवाद।